आज मैं बनाने जा रहा हूँ भेज बिरयानी, जिसके लिए मैं सामग्री ली हूँ। ये चावल है, अरवा चावल, जो कि मैं पानी में भिगो दी हूँ 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको छान के बर्तन में रख ली हूँ। और उसके लिए मैंने जो सब्ज़ी तैयार की है वो सोयाबीन है, जिसको मैंने धो के इसमें रखी हूँ। फिर प्याज है, 2 छोटे प्याज मैंने काटे हैं। थोड़ा सा हरी सब्जी आप जो भी चाहे दे सकते हैं। मैंने ये भिंडी और अरवल थोड़ा सा डाली हूँ। फिर ये तेज़पत्ता दे रही हूँ, 4 तेज़पत्ता है, 2 सूखी मिर्च है, 4-5 हरी मिर्च है। फिर मैं मसाले, इसमें हल्की मसाले डालना है। इसमें ये जीरा है, ये थोड़ा सा जीरा पाउडर मैंने ली है। फिर ये दोनों मैंने मिक्स मसाला लिया है, जो गरम मसाला है। और ये थोड़ा सा मैंने ये लिए किशमिश ली है। और फिर दालचीनी है, थोड़ा सा काली मिर्च है, और अपने स्वाद अनुसार नमक डालना है इसमें। दोस्तों, मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए दे दी थी। देखिए, ये कुकर है, कुकर में बनाऊंगी मैं भेज बिरयानी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें लगभग 50 ग्राम घी डालूंगी। देसी घी डालना है, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ी सी तेल भी डाल सकते हैं। और मैं ये घी डालती हूँ। उसके बाद मैं जीरा फ़ौरन डाल रही हूँ, फ़ौरन में जीरा डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, जीरा पक चुका है। अब मैं प्याज डालूंगी, फिर मैं इसमें हरी मिर्च और लाल सूखी मिर्च भी डालूंगी। अब मैं इसको चलाऊंगी, थोड़ा सा इसको चलाना है 10 मिनट लगभग। उसके बाद बाकी सामग्री डालूंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा प्याज भून चुका है। अब मैं इसमें जो सब्जी रखे हैं डालने के लिए वो डालती हूँ। अब मैं इसे 10 मिनट भूजूंगी। देखिए दोस्तों, सब्जी लगभग भूज चुका है। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। चावल मैंने पहले से धो के रखे थे। अब इसको भी डाल के मैं 10 मिनट चलाऊंगी, भूनना है। उसके बाद और सारा मसाला डालूंगी। देखिए दोस्तों, चावल अब भून चुका है। अब मैं इसमें जो मसाले रखी थी डालने के लिए वो डालूंगी। डाल के थोड़ा सा चलाऊंगी, और मैं इसमें गरम पानी डालूंगी। ये पानी मैंने गरम करके रखे थे, इसमें डालूंगी। ढक्कन लगा के फिर इसमें एक सीटी लगा दूंगी।
ये देखिए दोस्तों, मेरी बिरयानी बनके तैयार है। अब मैं एक बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। ये भेज बिरयानी जो बनी है, आप भी बनाइए दोस्तों और खाइए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये बिरयानी कैसी बनी है। वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों, और अंत में हमें लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।